यूएस नेवी के मुताबिक 2 मिनट में गहरी नींद कैसे सोएं? अरे इसका दूसरा टाइटल शायद ये हो सकता है, किसी क्रूज पर झपकी कैसे लें या कैसे धीरे से क्रैश करें और फिर भी टेक ऑफ के लिए तैयार रहें। सारे मजाक एक तरफ, ये नेवी की सोने की तकनीक वाकई काफी बढ़िया है। चलिए देखते हैं। सुनिए, क्या आपको सोने में दिक्कत आती है? क्या आप रात को करवटें बदलते रहते हैं जब आपका दिमाग थोड़ी देर आराम करने से मना कर देता है? अच्छी सेहत के लिए रात को बेहतर नींद लेना बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिन्हें नींद न आने की समस्या है या जो तुरंत नींद में जाना चाहते हैं, वो यूएस नेवी की ट्रिक सीखने के लिए देखते रहें। ये जानना कि आपको कितना सोना चाहिए आपको ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपका सोने का रूटीन काम कर रहा है या इसमें सुधार की जरूरत है। आमतौर पर छोटे बच्चे दिन में 16 घंटे सोते हैं, किशोरों यानी टीन्स को हर रोज 9 घंटे की जरूरत होती है और एडल्ट्स को दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका के 5 से 7 करोड़ एडल्ट नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। यह अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 20% लोग नींद की कमी के शिकार हैं। दुनिया में 70 तरह की नींद की प्रॉब्लम होती हैं, और उनमें से सबसे आम है नींद ना आना। मजबूत इम्यून सिस्टम और रोगों से लड़ने के लिए नींद जरूरी है। अगर आप नींद ना आने की बीमारी के शिकार हैं, तो नींद की कमी से आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसके चलते वजन बढ़ना, धीमा रिएक्शन टाइम, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की समस्या, डिप्रेशन और हाँ सिरदर्द भी हो सकते हैं। मीडियम वेबसाइट के मुताबिक यूएस नेवी प्री फ्लाइट स्कूल ने तय किया है कि उनके पायलट किसी भी कंडीशन में और दिन के किसी भी समय सोने में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने जो तरीका अपनाया वो पायलटों पर लागू किए जाने पर 6 हफ्तों के बाद 96% मामलों में सफल रहा। यहाँ फिजिकल और मेंटल स्टेप दिए गए हैं जिन सभी पर आपको लगभग 1.5 मिनट लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से एक एक करके तनाव दूर करेंगे। एक बार जब आप 5 आसान कदम उठा लेंगे तो 120 सेकंड में आप गहरी नींद लेने में कामयाब हो जाएंगे। पहला कदम, बिस्तर पर ऊपर की तरफ मुंह करके लेट जाएं। अपने चेहरे की मसल्स के साथ जीभ, जबड़े और आपकी आंखों के आसपास की मसल्स को भी ढीला छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने माथे के बीच के हिस्से को ढीला करने पर फोकस करें। आपका माथा एकदम सपाट होना चाहिए। ये अजीब लग सकता है लेकिन अपने आई सॉकेट्स को ढीला करके उन्हें आराम दें। दूसरा कदम, अपने कंधों को जितना हो सकता है ढीला करें। यह आपको स्ट्रेच करने और आपकी गर्दन के तनाव को रिलीज करने में भी मदद करेगा। इसके बाद एक तरफ की बाजू के ऊपर और नीचे के हिस्से को रिलैक्स करें और फिर दूसरी बाजू के साथ भी ऐसा ही करें। अगर आपको अपनी बाजू को रिलैक्स करने में परेशानी हो रही है तो उन्हें थोड़ा खींचने की कोशिश करें और फिर उन्हें ढीला हो जाने दें। आखिर में अपने हाथों और उंगलियों को भी इसमें शामिल करें। तीसरा कदम, सांस छोड़ें और अपने सीने को रिलैक्स करें। अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए महसूस करें। चौथा कदम, अपने पैरों को रिलैक्स करें। पहले अपनी जांघ से तनाव दूर करें और फिर पिंडलियों यानी काव्स को ढीला करें। आखिर में अपने पैर और एड़ियों पर फोकस करें। पांचवा कदम, अब आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं। अब वक्त है अपने दिमाग से हर चीज को बाहर करने का। लॉयड बड विंटर किताब के लेखक की सलाह है कि नीचे दी गई इमेज के बारे में सोचने से आपको विचारों को क्लियर करने और किसी भी ध्यान खींचने वाली चीज को रोकने में मदद मिलेगी। इमेज एक, कल्पना करें कि आप एक शांत झील में एक नौका पर लेटे हैं और आपके ऊपर नीला आसमान है। इमेज दो, कल्पना करें कि आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक काले मखमली झूले में आराम से लेटे हैं। अगर इमेज एक और दो काम नहीं करती हैं तो खुद से सोचें, सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। ये 10 सेकंड तक बार बार दोहराएं। क्या आपको नींद आने लगी है? ये मिलिट्री टेक्निक है जिसमें क्रिएटिव ट्विस्ट है जो आपको तुरंत और लंबी नींद लेने में मदद करेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जहां पर हैं वहीं पर पल भर में सो सकते हैं? जब आपके बच्चे आपके आसपास उधम मचा रहे हों, पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद प्लेन में तुरंत सोना या
कल क्या करना है उसके बारे में चिंता किए बिना अपने बिस्तर पर जाना। यकीनन ये काफी राहत भरी बात होगी। अच्छी नींद के साथ आपके दिन भर के काम काफी आसान हो जाएंगे। आप ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे, तनाव को बेहतर झेल पाएंगे, मुश्किल कामों के लिए ज्यादा स्टैमिना होगा और आखिरकार जीवन के सुनहरे पहलू को देखना शुरू कर पाएंगे। इस तकनीक का एक और अच्छा पहलू यह है कि इनमें बिस्तर की जरूरत नहीं होती। जब पायलटों को इस एक्सरसाइज के लिए ट्रेन किया जाता है तो वे इसे कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज में वे फर्श पर अपने पैर सपाट रखते हैं, अपने हाथ अपनी गोद में रखते हैं और उन्हें ढीले हो जाने देते हैं। तो फिर ये तकनीक तब भी काम करेगी जब आप किसी प्लेन, बस या ट्रेन में हो। अगर आपको नतीजे जल्दी नहीं मिलते तो निराश ना हो। याद रखें, इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए पायलटों को 6 हफ्ते तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको शुरुआत में मुश्किल हो रही है तो यूएस आर्मी के पास जल्दी सोने के कुछ और टिप्स हैं। अपनी कैफीन की खुराक घटाएं, भले ही आप सोचते हो कि आप इसे लेकर सेंसिटिव नहीं हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें, जैसे कंप्यूटर, टीवी और सेलफोन। जैसे ही थकान का पहला संकेत मिले अपने बिस्तर पर चले जाएं। इसमें ये अनदेखा ना करें कि आपकी बॉडी आपसे क्या मांग रही है। और अगर आप थके ना हो तो भी बिस्तर पर ना जाएं, क्योंकि जल्दी बिस्तर पर जाना नुकसानदायक और निराशाजनक हो सकता है। बिस्तर पर जाने से कम 1 घंटा पहले चीजों को समेटना शुरू कर दें। ऐसी एक्टिविटी करने से बचें जो आपको उलझाए या तनाव पैदा करने वाली हो।